सो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट माय टॉपिक एक बात आपको क्लियर करना चाहती हूँ कि फिजिक्स जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है इसको जो है बहुत समझ के पढ़ेंगे तो इनशाला आपको ये क्लियर होगा ठीक है सो स्टार्ट लर्निंग द फिजिक्स बाय क्लियरिंग द कॉन्सेप्ट एंड देन यू फील दैट यू लव विद फिजिक्स सो स्टार्ट कर लेते हैं अपने टॉपिक को डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वान्टिटीज डेफिनेशन को देख लेते हैं ईच बेस ईच बेसिक मैरेबल क्वांटिटीज

स्क्वेयर ब्रैकेट इस कॉल डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज अगर इन्हीं को फिजिकल क्वांटिटीज को मैं एक स्क्वेयर ब्रैकेट में लिखूं जैसे लेंथ को स्क्वेयर ब्रैकेट में लिखा एम को स्क्वेयर ब्रैकेट में लिख लिया टाइम को स्क्वेयर ब्रैकेट में लिख लिया तो ये हमारे पास बनते हैं डायमेंशंस बनते हैं किसके फिज़िकल क्वांटिटीज़ के सो यही कॉन्सेप्ट था कि जब भी आप जो है वो मई क्वांटिटीज़ जो हैं या आपकी जो फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हैं उनको आप स्क्वायर ब्रैकेट में लिखती हैं उनके स्पेसिफ़िक सेम्बल्स उन स्पेसिफिक सेम्बल्स को अगर आप इस आ, स्क्वायर ब्रैकेट में जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं सो so, आपके पास ये डायमेंशनस होते हैं किसके फिजिकल क्वांटिटीज के सिंपली डायमेंशनस भी आप इसको बोल सकते हैं अनदर डेफिनेशन द डायमेंशन विच इज़ द पावर टू विच द फंडामेंटल क्वांटिटीज आर रेस्ड इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट दैट क्वांटिटी द पावर ऑन द फंडामेंटल क्वांटिटीज मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव कहने का क्या मतलब है कि हमारे पास डायमेंशनस क्या होते हैं इट इज़ नथिंग बट पावर ये हमारे पास पावर होते हैं किसके फंडामेंटल क्वान्टिटी ज के अब आप कहेंगे फंडामेंटल क्वांटिटीज़ आपकी जो बेस क्वांटिटीज़ है तो बेस क्वांटिटीज़ से तो आपके माइंड में ये आएगा कि सेवन बेस क्वांटिटीज़ है तो नहीं जनाब वो वाली क्वांटिटीज जिन दो तो क्वांटिटीज को हम जो है उनका प्रोडक्ट लें तो वो थर्ड क्वांटिटी जो हमारे पास जाए वो डिराइव क्वांटिटी को जो है वो रिप्रेजेंट करे किसी और क्वांटिटी को किसी और फिज़िकल क्वांटिटी को जो है वो रिप्रेजेंट करे ठीक है तो उसको हम कहते हैं कि हमारे पास डायमेंशनस हैं और वो जो पावर्स आपके पास होंगी वो पॉजिटिव में भी हो सकती हैं वो पावर्स पॉजिटिव में भी हो सकती हैं एंड वो पावर आपके पास नेगेटिव में भी हो सकती है वंस अगेन आई रिकॉल द डेफिनेशन ऑफ डायमेंशन कि आपके पास डायमेंशनस क्या ये पावर होते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पर अब फंडामेंटल क्वांटिटीज़ ये जो बेस क्वांटिटीज़ होती हैं हमने सारी वो बेस क्वांटिटीज़ लेनी है जिन दो पा, पा, जिन दो फिज़िकल क्वांटिटीज़ को जिन दो बेस बेस क्वांटिटीज़ को आप मल्टीप्लाई करें तो आप आपके पास रिजल्ट में जो थर्ड प्रोडक्ट आए जो आपके पास रिजल्ट में जो क्वांटिटी आई वो जो है वो आपको रिप्रेजेंट कर रही हो किसी और फिजिकल क्वांटिटी को तो फिर हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे पास डायमेंशंस हैं ठीक है और वो डायमेंशंस की जो पावर होगी वो आपके पास पॉजिटिव या नेगेटिव होगी होपफुली ये कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो गया होगा अब हम डायमेंशनस को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो जरा देख लेते हैं डायमेंशन इज डिनोटेड बाय अ सिंगल कैपिटल लेटर ये एक सिंगल कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट होता है और ये इंग्लिश लेटर होता है ठीक है अल्फाबेट्स में होता है इन इन स्क्वायर ब्रैकेट ठीक है रेज टू और ये जाहिर है हमारे पास अब जैसे मैंने आपको यहाँ पे लेंथ बताई ठीक है तो हमारे पास एक सिंगल लेटर है ठीक है और एक इंग्लिश लेटर है ऑल्सो जो है हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट में जो है वो रिप्रेजेंट होता है तो ये हम देख लेते हैं आगे इन सेम सम पावर ठीक है सो सिंगल क्वांटिटी होती है ठीक है सिंगल जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपके पास जो है वो सिंगल इंग्लिश लेटर होता है और उसी को हम जो है वो डायमेंशन उसी से हम रिप्रेजेंट करते हैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल ली हुई है लेंथ है ठीक है जिसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं ठीक है इंग्लिश कैपिटल सिंगल लेटर है हमारे पास इंग्लिश अल्फाबैट है और उसके ऊपर पावर हमारे पास होगी ए ठीक है और देखें पावर, पावर किस तरह अरेंज है पहले ए है फिर बी एंड देन हमने सी लिया ठीक है सो ये पावर जो है हमारे पास अरेंज होती है अच्छा मास है उसको हमने एम से रिप्रेजेंट किया उसकी पावर बी है टाइम है इसकी जो है उसको टी से रिप्रेजेंट करते हैं और डायमेंशन है ठीक है अब टाइम का डायमेंशन ये आ गया ठीक है और इसकी पावर जो है वो सी है अब आ जाते हैं इसकी सिग्निफिकेंस के ऊपर सिग्निफिकेंस क्या बता रहे हैं हमें कि डायमेंशन जो है वो हमारे पास रिप्रेजेंट करते हैं डायमेंशन रिप्रेजेंट द नेचर ऑफ़ फ़िज़िकल क्वांटिटी ये हमारे पास फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की नेचर को रिप्रेजेंट करते हैं कैसे करते हैं जैसे आपके पास लेंथ हो गई ब्रेथ हो गई डेप्थ हो गई रेडियस हो गई डायमीटर डिस्टेंस हो गया डिस्प्लेसमेंट ये सारे जो अगर आप क्वांटिटीज़ uh, देख रही हैं जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ आप देख रहे हैं तो ये सारे आप देखें ना लेंथ किस में मैयर uh, करते हैं हम इसको मीटर्स में ब्रेथ भी ठीक है ये बेसिकली लेंथ ही है नेम्स उसको डिफरेंट मिले हुए लेंथ ब्रेथ बेसिकली इट्स ए लेंथ ठीक है डेप्थ हो गई आपकी रेडियस डायमीटर डिस्टेंस रिस्प्लेसमेंट ये सारे लेंथ है ठीक है डिफरेंस है इनमें लेकिन ये मैयर होते हैं लेंथ में इन सब का एक ही यूनिट है सो देखें आर मैयर इन मीटर्स सो रिप्रेजेंट द सेम डायमेंशन ऑफ लेंथ इक्वल टू एल ठीक है सो so, ये सारे जो है वो ए की जो है मतलब इसका सिग्निफिकेंस यही है कि जितनी भी आपके पास ये फिजिकल क्वांटिटीज यहाँ पर गिवन है लेंथ मास्ट टाइम तो सब जो है वो एक ए की क्वांटिटीज जैसे कि लेंथ से रिप्रेजेंट हो मीटर्स में जो है वो मैट करते हैं हम इसको सो इसका डायमेंशन जो है वो लेंथ होगा ठीक है एल ही होगा अब आ जाते हैं कि डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज की बात की तो अब डायमेंशन ऑफ डिराइव क्वान्टिटी को भी देखना है ठीक है कि वो हमारे पास क्या होता है सो डायमेंशन ऑफ डिराइव क्वान्टिटी आर द प्रोडक्ट ऑफ द डायमेंशंस ऑफ बेस क्वान्टिटी ठीक है आर डिपेंड ठीक है ये होगा आर डिपेंड आर डिपेंड ऑन तो वो डिपेंड नहीं है ठीक है uh, जो है वो वो इसी तरह है द डायमेंशन ऑफ द डराइव क्वान्टीज आर द प्रोडक्ट ऑफ द डायमेंशन ऑफ बेस क्वान्टिटीज ऑफ विच द ऑफ विच द इज डराइव्ड अब कहने का क्या मतलब है कि जितने भी डिराइव क्वान्टिट्टीज़ के डायमेंशनस है ना वो क्या है वो क्या होंगे आपके पास प्रोडक्ट होंगे किसके बेस क्वांटिटीज के डायमेंशन के, के मतलब आप कहने का ये मतलब है जो आप दो क्वांटिटीज लेंगे ना ठीक है दो बेस क्वांटिटीज लेंगे आप उनको मल्टीप्लाई करेंगे ठीक है सो उन बेस क्वांटिटीज के जो डायमेंशनज होंगे हम दोनों को आपने मल्टीप्लाई किया सो so रिजल्ट में आपके पास एक डिइव क्वांटिटी आएगी ठीक है सो जो डिर क्वांटिटीज के डायमेंशनज होंगे वो बेस क्वांटिटीज़ में ही होंगे ठीक है मतलब आप दो बेस क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करेंगे जो थर्ड क्वांटिटी आपके पास होगी वो आपके पास जो है वो डिर क्वांटिटी आएगी सिंपल यही मतलब है इसका फॉर एक्जाम्पल देखिए जैसे आपने एरिया का डायमेंशन फाइंड करना है तो एरिया किस इक्वल होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ इक्वल होता है ठीक है तो हम सिंपली लिख सकते हैं कि एल क... का एल का स्क्वायर लेंथ टू टाइम है ना तो अगर हमने इसके डायमेंशन बना बनाने हैं बताने ठीक है सो वो हो जाएगा लेंथ का स्क्वायर ठीक है लेकिन आएगा स्क्वायर ब्रैकेट में क्योंकि को रिप्रेजेंट करते हो तो क्या था कि डायमेंशन ऑफ अ डिराइव्ड क्वांटिटी देखिए डायमेंशन किस का डिराइव्ड क्वांटिटी डायमेंशन ऑफ द डिराइव क्वांटिटी आर द प्रोडक्ट ऑफ डायमेंशन ऑफ द बेस क्वांटिटीज ठीक है quantity, of, b... दो बेस क्वांटिटीज के जो डायमेंशनस होंगे उसके जो है वो जो डिराइव क्वांटिटी का डायमेंशन होंगे वो किसका प्रोडक्ट होगा दो बेस क्वांटिटीज़ का प्रोडक्ट होगा ठीक है सो यही हमारे पास क्या था आपकी जो है वो एग्जांपल थी और ये बताया हुआ था इसमें कि डायमेंशन जो होते हैं वो डिराइव क्वांटिटी के भी प्रोडक्ट किसके होते हैं बेस क्वांटिटीज के ठीक है ये डिपेंड करते हैं अब टर्म यूज विथ डायमेंशनस ठीक है जो कुछ टर्म्स होती हैं वो आप जो आपके पास रिलेट करती हैं डायमेंशन से तो वो कौन कौन सी हैं देख लेते हैं डायमेंशनल वेरिएबल्स पहला है ठीक है सो डायमेंशन देखें मतलब इसका डायमेंशन है अब ये जो पहली वाली टर्म है ये आपके पास डायमेंशन को रिप्रेजेंट कर रही होती है ये बहुत बड़ी ट्रिक आपको बता रही हूँ कि पहली टर्म आपको के पास डायमेंशन को रिप्रेजेंट करती हूँ और ये जो सेकेंड टर्म होती है आपके पास मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रही होती है ठीक है द फर्स्ट टर्म रिप्रेजेंट द डायमेंशन वाल द सेकेंड टर्म वेरिएबल्स रिप्रेजेंट द मैगनीच्यूड अब कैसे डायमेंशनल वेरिएबल्स ठीक है मतलब डायमेंशनस होंगे जो मैग्नीच्यूड होगा वो चेंज होगा सो so, देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन सो यहाँ पे देखें फिजिकल क्वान्टिटीज डेट है मैंने आपको क्या कहा था डायमेंशनल है तो उसके डायमेंशनस हैं और वेरिएबल था साथ लगा हुआ था बट देयर मैग्नीट्यूड चेंजेस आर कॉल्ड डायमेंशनल वेरिएबल तो बस सिंपल सी बात है ठीक है तो क्या था कि डायमेंशनल वेरिएबल था वेरिएबल्स था जिसमें डायमेंशन हो गए ठीक है और साथ हो गया दूसरा वेरिएबल जो मतलब उसका जो दूसरा था मैग्नीट्यूड जिसको हमने थोड़ा वे ट्रक के साथ हमने यूज़ किया तो हमने कहा कि डाय वेरिएबल का जो सेकंड टर्म होगा ये आपकी डायमेंशन को शो कर होगा सॉरी आपके मैग्नीट्यूड को शो करोगा फॉर एग्जांपल वेलोसिटी फोर्स एनर्जी एंड एक्सीलरेशन दीज फिजिकल क्वान्टिटीज हैव डायमेंशन बट दे आर मैग्नीट्यूड चेंजेस ठीक है सो दैट इज़ वाई वी कॉल इट कि ये हमारे पास डायमेंशनल वेरिएबल्स हैं अब आ जाते हैं डायमेंशनलैस वेरिएबल तो ये फर्स्ट टर्म तो आपकी डायमेंशन को शो कर रही है ये देख लेते हैं आपके डायमेंशन ये आपके डायमेंशन को शो करिए वेल द रेस्ट रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड ठीक है मैग्नीट्यूड सो क्या है कि मतलब डायमेंशनल लेस है डायमेंशन नहीं होंगे सॉरी ये लेस है लेस लगा हुआ है तो डायमेंशन नहीं होंगे नो डायमेंशन मैग्नीट्यूड होगा ठीक है वेरिएबल तो चेंज होगा मतलब वेरी का मतलब चेंज ही होता है ना फिजिकल क्वांटिटीज डेट डू नॉट हैव डायमेंशन डायमेंशंस तो इसके नहीं हैं अलबतः जो इसका मैग्नीट्यूड है वो चेंज होगा आर कॉल डायमेंशनल वेरिएबल्स ठीक हो गया तो क्या था डायमेंशनल मीन्स नो डायमेंशन एंड वेरिएबल्स का मतलब कि मैग्नीट्यूड है बट चेंज हो रहा है अब तो क्या था कि डायमेंशंस तो होंगे दैट डू नॉट दैट डू नॉट हैव डायमेंशन डायमेंशंस तो नहीं होंगे फिजिकल क्वांटिटीज में ठीक है फिजिकल क्वांटिटी वो फिजिकल क्वांटिटी जिनके डायमेंशंस तो नहीं होंगे बट उनका मैग्नीट्यूड जो होगा चेंज होगा तो इसको हम डायमेंशनल वेरिएबल्स कहते हैं अब आ जाते हैं थर्ड इसके एग्जाम्पल पर जो कि हमारे पास है प्लेन एंगल सॉलिड एंगल स्ट्रेन कोफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन के सारे एग्जाम्पल किसके हैं अच्छा इनके भी जो है वो डायमेंशनस नहीं है बट इनके जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज होते रहते हैं सो तो इसलिए हम इसको डायमेंशनल वेरिएबल्स कहते हैं हम इसकी एग्जाम्पल्स हैं अब थर्ड आ जाता है डायमेंशनलैस को डाइमेंशनल कोऑफिसिएंट मतलब डाइमेंशनल है लस तो नहीं लगा वाना इट मींस इट हैव डाइमेंशंस अभी इट मींस इट हैव डाइमेंशंस ठीक है सो एंड हैव डाइमेंशंस और कांस्टेंट मतलब अब फिक्स्ड है चेंज नहीं होंगी नॉट चेंज नाट चेंज ठीक है सो यहाँ पर क्या होगा डायमेंशनल कॉन्सटेंट फिजिकल क्वान्टिटीज डेट हैव नो डेट हैव डायमेंशनस उनके डायमेंशनस तो होंगे क्योंकि डायमेंशनल नहीं लगा हुआ डायमेंशनल है सो फिजिकल क्वान्टिटीज डेट हैव डायमेंशन एंड देयर मैगनीच्यूड डज़ नाट चेंज ठीक है आर कॉल डायमेंशनल डायमेंशनल कॉन्सटेंट्स तो ये हमारे पास क्या है कि डायमेंशन होंगे और मैग्नीच्यूड जो होंगे जो सेकेंड में आपके पास बेसिकली मैग्नीच्यूड को ही शो कर रही है ना मैं आपको स्टार्ट में लिख के बता दिया था कि आपके पास मैग्नीच्यूड को ही जो है वो आपके पास शो कर रही है तो डायमेंशन uh, भी होंगे बट मैग्नीच्यूड जो होगा वो फिक्स होगा कॉन्स्टेंट होगा नॉट चेंज होगा स्पीड ऑफ लाइट एक कॉन्स्टेंट वैल्यू है प्लांट्स कॉन्स्टेंट भी एक कॉन्स्टेंट वैल्यू है ग्रेविटेशनल कॉन्सटेंट कॉन्स्टेंट वैल्यू आइडियल गैस इक्वेशन जो हमने पढ़ी थी उसमें जो गैस की जो वैल्यू थी तो वो भी हमारे पास कॉन्स्टेंट सब जो है वो डायमेंशनल है डायमेंशनल कॉन्सटेंट है अब डायमेंशनल कॉन्स्टेंट की तरफ चल रहे तो मतलब लेस लगा हुआ है सो नो डायमेंशन नो डायमेंशन ठीक है और सेकेंड टर्म आपकी मैग्नीट्यूड को शो कर रही होती है ठीक है सो so, मतलब कि मैग्नीच्यूट uh, जो है वो कांस्टेंट रहेगा ठीक है मतलब नॉट चेंज लिख ले नॉट चेंजिंग लिख ले ठीक है बस आप क्लियर होना चाहिए फिजिकल क्वांटिटीज डेट डू नॉट हैव डायमेंशन लेस था तो नो डायमेंशन बट मैग्नीट्यूड होंगे वो कॉन्स्टेंट होंगे आर कॉल डायमेंशनल कॉन्सटेंट जिसे आप पाए देख लें ठीक है अब ये इसके डायमेंशंस तो नहीं बट इट हैज कॉन्स्टेंट वैल्यू विच इज ट्वेंटी टू बाई सेवन प्योर नंबर हो गए आपके वन वन टू थ्री अप टू सो ऑन ठीक है सो ये आपके पास हो गए डायमेंशनल कॉन्सटेंट ठीक हो गया जी ये आपके पास सर डायमेंशनल कॉन्सेंट डायमेंशनल कॉन्सटेंट आप आ जाते हैं एडवांटेज की तरह कि डायमेंशनल दे, एनालिसिस के एडवांटेजेस हमारे पास के एक तो ये होमोजेनिटी ऑफ अ फिजिकल इक्वेशन बताती है मैं बताते हैं कि जो अगर डायमेंशन जो है वो किसी भी अगर इक्वेशन के आप डायमेंशन फाइंड करें अगर उसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपके पास इक्वल आ जाती है तो वो हमारे पास क्या है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है कि आ, मतलब कि जब किसी भी इक्वेशन को आप सॉल्व डायमेंशन उसके निकाल रहे हैं तो आप देखते हैं कि अगर उसकी लेफ्ट और राइट हैंड साइड जो है वो इन इक्वेशन जो है वो सेम आ रही होती है तो उसको हम बोलते हैं होमोजन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ठीक है अब इसका ये मतलब हरगिज भी नहीं है कि अगर उसकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन में डायमेंशन की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड तो सेम आ गई तो आ, वो मतलब वो जो है वो करेक्ट होंगे उसकी इक्वेशन करेक्ट होगी वो तो ये बता रहे हैं कि होमोजीनियस इक्वेशन में और मे नॉट बी करेक्ट ठीक है डायमेंशन के लेफ्ट और राइट हैंड साइड सेम आने से ये हरगिज़ इस बात का मतलब नहीं कि वो ठीक है या वो गलत है वो ठीक भी हो सकता है वो गलत भी हो सकता है ठीक है थ्रू डायमेंशनल एनालिसिस हम डायमेंशनल के एनालिसिस के थ्रू हम क्या चेक करते हैं कि अपनी इक्वेशन uh, के अंदर होमोजेनिटी चेक करते हैं क्या इधर उसमें होमोजेनिटी का फैक्टर एग्जिस्ट करता है कि नहीं यानी उसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एग्जिस्ट करती है कि नहीं लेकिन इसके साथ एक लिमिटेशन भी बताई हुई है कि अगर हमारे पास फिजिकल रिलेशन जो है वो डायमेंशनली करेक्ट है ठीक है तो इट डज नॉट फिजिकली करेक्ट मतलब एक इक्वेशन है जो डायमेंशनली तो करेक्ट है लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो फिजिकली भी करेक्ट हो ठीक है थस आर डायमेंशनली सो यहाँ पर है कि थस आर डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन नॉट बी एक्चुअली एन एग्जैक्ट एन एग्जैक्ट करेक्ट इक्वेशन मतलब यहाँ पे कहने का ये मतलब है ना कि अगर एक इक्वेशन जो है वो डायमेंशनली करेक्ट जो है वो डायमेंशनली करेक्ट है लेकिन ज़रूरी तो नहीं है कि वो अगर डायमेंशनली करेक्ट है तो वो एक एग्जैक्ट इक्वेशन होगी ठीक है वो नॉट एग्जैक्ट इक्वेशन भी हो सकती है लेकिन जो डायमेंशनली करेक्ट ना हो बट अ अडायमेंशनली पर जो इक्वेशन डायमेंशनली जो है वो इनकरेक्ट होगी तो इसका मतलब वो इक्वेशन ही रॉन्ग है यानी इनकंसिस्टेंट इक्वेशन है दूसरा इसका एडवांटेजेस जो है वो डायमेंशनल एनालिसिस में वो है ड्राइव ड्राइविंग अ पॉसिबल फार्मूला वी कैन डिराइव पॉसिबल फार्मूला फॉर फ़िजिकल प्रॉब्लम हम फिजिकल डायमेंशनल एनालिसिस को यूज़ करते हुए हम पॉसिबल फिज़िकल प्रॉब्लम्स के लिए जो है वो एक पॉसिबल फार्मूला निकाल सकते हैं लेकिन इसका भी uh, इसकी भी लिमिटेशन है वो क्या है कि डायमेंशनल एनालिसिस इज़ वेरी यूजफुल इन डिड्यूसिंग रिलेशन ठीक है मतलब आप जो डायमेंशनल uh, एनालिसिस जो है कोई यूजफुल मेथड है कि आप अपने uh, जो Uh, आपके जो रिलेशन होते हैं उनके में आप कंक्लूजन जो है वो निकाल सकते हैं अमंग द इंटर डिपेंडेंट फिज़िकल क्वान्टिटीज जो इंटर डिपेंडेंट फिजिकल क्वान्टिटीज़ होती हैं उनके दरमियान लेकिन क्या होता है कि ये डायमेंशनल कॉन्सटेंट कैन नॉट बी ऑफ्टेन बाई दिस मैथड सो ये जो uh, आपके पास ये डिराइविंग पॉसिबल फार्मूला सो इससे क्या होगा कि आप डायमेंशनल uh, को जो है वो ऑप्टेन नहीं कर सकते ठीक है उसके अलावा uh, इस मैथड में जो द मैथड ऑफ डायमेंशन कैन ओनली टेस्ट द डायमेंशनल वैलिडिटी बट नॉट द एग्जैक्ट रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल क्वान्टिटीज इन एनी क्वेश्चन सो इससे क्या होगा इस मैथड से डायमेंशन uh, को uh, इस मैथड के थ्रू हम क्या करेंगे कि हम डायमेंशन की जो है वो वैलिडिटी को चेक करेंगे कि आधर ये कितना

जो है हमने आखिर में जो है वो एडवांटेजेस भी देख लिए ठीक हो गया उसके बाद हमने एग्ज़ाम्पल्स uh, के थ्रू जो है वो सॉरी uh, लिमिटेशंस uh, uh, वो भी देखे हमने लिमिटेशंस भी देखे और उसके बाद हमारे लेक्चर जो है यहाँ पर एंड होता है सो इनशाला नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलेंगे uh, जिसमें हम इसकी एग्जाम्पल करेंगे सो टिल देन अल्लाह हाफिज़